चंद्रशेखर को गले लगाकर आजम बोले मुझ पर 250 मुकदमे। भीम आर्मी चीफ बोले बीजेपी पॉलिटिकल विरोधियों को निपटाने की कोशिश कर रही। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले के बाद रविवार को पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे। आजम ने चंद्रशेखर को गले लगाया। हालचाल लेने के बाद दोनों नेता मीडिया से मुखातिब हुए। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए आजम खान ने कहा मुझ पर 250 मुकदमे हैं। पुलिस ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है कि जब पूछेंगे तो हम तारीफ ही करेंगे। यूपी की सत्ता जो आज चला रहे हैं उनका इतिहास सबको पता है। वहीं चंद्रशेखर ने कहा बीजेपी सरकार में जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को किस प्रकार से निपटाने की कोशिश कर रही है यह हम जानते हैं। सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाया जा रहा है। जबरन झूठे मुकदमे लगाकर और झूठे गवाह तैयार जेल में ठूसा जा रहा है। इनसे जो बच जाता है उन्हें गोली के जरिए निपटाने में सरकार लगी है। सहारनपुर में चंद्रशेखर के घर पर मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा ये एक हमला है, मैं चंद्रशेखर की खैरियत लेने आया हूँ। हमले से परेशान नहीं हो क्योंकि यह पहला हमला नहीं है और यह आखिरी भी नहीं है। बस वह सेहतमंद रहे, इनका जो मिशन है गरीब और कमजोरों को न्याय दिलाने का, इनकी जिंदगी के साथ वह मिशन भी जिंदा रहे। इन्हें देखकर दिल खुश हो गया। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।